बिहार में जूनियर शिक्षकों की 31,982 लगभग 32,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती में बीटीसी और बीएड दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी योग्यता क्या होगी, इसका पूरा पाठ्यक्रम क्या होगा, नकारात्मक अंक नहीं होगी, इस सभी पर बात करेंगे। कि भर्ती जो है बीपीएससी कराने जा रही है और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। और अगर आप बिहार के बाहर के राज्य के हैं, या जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मानी बिहार के अदर स्टेट को भी इस भर्ती में मौका है। मतलब अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार के साथ साथ भारत के किसी भी राज्य का अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकता है। इसकी योग्यता क्या क्या होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कहाँ से क्या क्या पढ़ने हैं, और कहीं न कहीं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बढ़िया मौका है जो बिहार शिक्षक भर्ती के 7वें चरण में सिलेक्शन नहीं पाए हैं, या जो सिलेक्शन पा चुके हैं प्राइमरी में, वो जूनियर के लिए उनके लिए एक मौका है। ये जूनियर की अगर हम बात करें, यह 6 से लेकर, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 6 से लेकर 8 तक के पदों के लिए होगा। और ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है यह बीपीएससी के माध्यम से होगा। ये कौन कराएगी, ये बीपीएससी कराएगी। और यहाँ पे सीटेट आपके लिए अनिवार्य है, और या बीटेट जूनियर का या पेपर 2 का सीटेट या बीटेट आपको पास होना जरूरी है। अगर आप पास नहीं हैं, अगर अपेयरिंग भी हैं, तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर अभी तक आप सीटेट या बीटेट नहीं पास है, पर आपको लगता है कि आने वाले सीटेट परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, तो आप आने वाली बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का जो सपना है वो आपका पूरा हो सकता है। इसकी पूरी जो सिलेबस है उस पर भी हम क्रमानुरूप से बात करेंगे, किस तरह से यहाँ पर पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट में क्या क्या चीजें हैं, और पेपर सेकंड जो होगा उसमें क्या क्या होगी। दोनों में दो हिस्से हैं, पार्ट ए और बी, यहाँ पर भी पार्ट ए और पार्ट बी है। इन सभी पर पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर पूरे धैर्य के साथ, पूरे जुनून के साथ अगर आपने पढ़ाई अपनी तैयारी शुरू की, यकीन मानिए बिहार में सरकार शिक्षक बनने का जो आपका सपना है वो सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना होगा कौन सी किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, कौन से नोट्स आपके लिए बेहतर होंगे, इसका जो सिलेबस है या फिर जो पूरा पैटर्न है ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर है। जी हाँ, यह यहाँ पर पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है। एनसीईआरटी पर भी पढ़ना, एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, कहाँ कहाँ से मिलेंगी, इन पर भी हम बात करेंगे। गणित विज्ञान के लिए क्या है, मैंने सभी विषयों का एकदम निचोड़ वीडियो होने जा रहा है, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम आते हैं इसके उन सभी महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले आपके मन में जहां से सवाल आता है, एक एक करके हम बात करेंगे। इसलिए आप लोग धैर्य रखिएगा, घबराइएगा नहीं, इस वीडियो में बने रहिएगा। पहली बात है, ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 है, जो दूसरी भर्ती होने जा रही है, जो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगी। इसे हम जूनियर शिक्षक भर्ती के नाम से या जूनियर भर्ती के नाम से जानते हैं, जो कक्षा 6, 7, 8, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो भर्ती होगी ये 6, 7 और 8 की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए यह भर्ती होने वाली है। इसके जो पद संख्या है वो 31,982 लगभग, यूं कह सकते हैं कि 32,000 पद लगभग आपको मिलने वाले हैं। अब इसकी योग्यता की बात करें, जो कॉमन योग्यता है, अगर आप 12th, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप यहाँ पर 12th हैं, अगर आप यहाँ पर 12th हैं, अगर हम यूं कह सकते हैं, अगर 12वीं आपके पास है तो 12वीं के साथ साथ, चलिए अब यहाँ 12वीं के साथ साथ आप डीएलएड और डीएड हैं तो भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड हैं, बीटीसी या डीएलएड हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार के अदर स्टेट, माने अगर भारत के नागरिक हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यह महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर टीजीटी का मतलब मैं आपको फिर से समझा दूं, टीजीटी को जहां भी मैं शब्द का प्रयोग करूंगा वो 9th और 10th के लिए होगा, वो 9 और 10 के लिए होगा। जहां पे मैं पीजीटी शब्द का प्रयोग कर दूंगा वहां ये मान के चलेगा कि 11 और 12 के लिए मैं बात कर रहा हूं। माने टीजीटी पीजीटी के लिए यहां पर आपके लिए बीएड कंपलसरी, यहां पर क्या है आपके लिए बीएड कंपलसरी है। तो माने जो बीएड का अभ्यर्थी है, ये माना जा सकता है कि जो बीएड का अभ्यर्थी है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे बीएड किया हुआ है वो जूनियर शिक्षक भर्ती का भी फॉर्म भरेगा, साथ साथ वो 9-10 वाले में और 11-12 इन दोनों में भी आवेदन करेगा। तो अगर उस अभ्यर्थी को ज्यादातर, क्योंकि बड़ा जॉब है तो इस पर फोकस उसका ज्यादा होगा, क्योंकि वो बड़े पद मिल जाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, और नहीं मिलेंगे तो प्राइमरी, इसलिए बीएड के अभ्यर्थी ज्यादातर फोर्स करेंगे पीजीटी पर, उसके बाद टीजीटी पर सबसे ज्यादा बल लगाएंगे
इस 6 to 8 वाले पर जूनियर पे, तो अगर जूनियर को कम बल लगाएंगे तो एक चीज आपकी कंफर्म हो जाएगी, एक चीज सबसे ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी आपकी कि आपको जो बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको जूनियर में सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि पद ज्यादा भी है और अभ्यर्थी ज्यादातर रुझान होगा टीजीटी और पीजीटी की तरफ, बीएड के अभ्यर्थी हैं और बीएड के अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी के लिए स्टेट अनिवार्य है, उसके लिए जूनियर का टेट अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन परीक्षाओं के लिए सीटेट परीक्षा जो है ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि सीटेट पास हो या ना हो, उसके लिए बीएड के साथ प्लस यहाँ पर क्या होगा एस्टेट होगा, यहाँ पर क्या होगा एस्टेट होगा। तो एक बात साफ हो गई, अगर आप बीटीसी डीएलएड है या बीएड है इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो मौके ज्यादा है वो आपको मैंने बता दिया बीटीसी और डीएलएड, क्योंकि बीटीसी डीएलएड आवेदन इसी में करेंगे और अपनी पूरी जान लगा देंगे इसको परीक्षा को पूरा करने में, अपनी तैयारी को पूरा करने में। तो इसलिए आप लोग अगर बीटीसी है या बीएड है वीडियो में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए बीएड के लिए कई मौके हैं, बीटीसी के लिए सीमित हो गए हैं। आगे हम बात करेंगे कि सीटेट, अब एक सवाल आ रहा है कि सर सीटेट या बीटेट यहाँ पे पास होना जरूरी है, अगर सीटेट या बीटेट अभी तक आप पास नहीं है तो अपेयरिंग वाले भर्ती जो है जो अभी तक आने वाला जो सीटेट दिसंबर में है अगर उनको लगता आवेदन करके पास हो जाएंगे तो इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप पहले से सीटेट पास, लेकिन ध्यान रहे सीटेट का पेपर 2 जिसे हम जूनियर का कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे सर मैं प्राइमरी का सीटेट पास हूँ क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ, जी नहीं, आपको जूनियर का सीटेट पास होना जरूरी है जिसे हम पेपर 2 के नाम से जानते हैं। ये दो तरह से होता है, एक होता है साइंस मैथ और एक होता है एसएसटी। तो याद रखिएगा जो साइंस और मैथ से होंगे जो ग्रेजुएशन जिनका बीएससी जो होंगे, यूं कह सकते हैं जो बीएससी होंगे या बीटेक होंगे एग्रीकल्चर से होंगे, वो लोग साइंस और मैथ से देते हैं जूनियर सीटेट। अगर वो जूनियर सीटेट पास है तो ठीक है, नहीं तो अपेयरिंग भरेंगे। बाकी एसएसटी वाले जो सोशल से एसएसटी में जाएंगे, बीबीए जो है बीबीए कोर्स होता है, कॉमर्स जो बीकॉम किए हुए हैं वो भी किस में जाएंगे एसएसटी में जाएंगे, और एसएसटी वाले भाषा है, भाषा की बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भोजपुरी मैथिली उर्दू फारसी उर्दू अरबी बांग्ला इतनी भाषाएं हैं। इन भाषाओं में अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास एसएसटी का पेपर होना चाहिए, मतलब एसएसटी का सीटेट आपको पास होना जरूरी है। कई बार क्या है कुछ लोग कहते हैं सर मैं बीए मैं साइंस से था मैं एसएसटी का सीटेट पास हूँ, और कोई कहता है मैं बीए से था साइंस मैथ का पास हूँ, तो इनमें भी कहीं ना कहीं कोई है, अगर आपके मन में ऐसा कोई विरोधाभास है इसमें कोई संशय हो तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आप अगर बीटीसी या बीएड है तो 6 से 8 तक वाले परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात आपको समझ में आ गई कि अगर आप सीटेट नहीं पास अभी तक तो अपेयरिंग में भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ये व्यवस्था करता है कि अपेयरिंग अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिलता है। कुछ लोगों का कहना है सर मैं बीटीसी और बीएड या डीएलएड में भी अपेयरिंग हो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं, जी हां आप भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त यह होती है अंतिम परिणाम आने से पहले आपको सीटेट की परीक्षा हो बीटेट हो या आपकी कोई भी परीक्षा हो उसका रिजल्ट आ जाना अनिवार्य है। उम्मीद करते हैं आपका आ गया होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे चलते हैं, यहां तक कोई सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, एक बड़ा पद है, इसके बाद में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मतलब 9-10 के लिए 11-12 के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, उसका विषय का चयन कैसे करना है क्या क्या प्रक्रिया है और सारी चीजें मैं एक एक करके बता दूंगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले आपके लिए जूनियर शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के माध्यम में बिहार में होने जा रही है जो 31,922 अर्थात 32,000 पदों पर होने वाली है। अब हम और आगे चले इसके पूरे पाठ्यक्रम पर हम बात करते हैं, ये पूरा पाठ्यक्रम एक बार विधिवत रूप से देख लीजिएगा, इसके पूरे पाठ्यक्रम में हम आपके साथ चर्चा करने चाह रहे हैं। अब इसकी जो पूरे पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो बीपीएससी का जो बीपीएससी टीचर का जो सिलेबस है क्लास 6 से लेकर 8 तक, क्योंकि मैंने जूनियर की बात की है, ये जूनियर का पूरा पैटर्न है, ये पूरी जूनियर का है। तो हम यहां पे देखिए ये है पूरा बिहार शिक्षक भर्ती, शायद आपको दिख रहा होगा साफ और स्पष्ट 2.0 में जो ये क्लास है वो 6 से 8 तक के लिए है। पूरे सिलेबस की पूरे पाठ्यक्रम की बात करेंगे, ये पूरा जो पाठ्यक्रम है इसमें 2 पेपर होना है, एकदम साफ समझ लीजिएगा इसमें 2 पेपर होना है। अब इन 2 पेपर में से आपको पहला होगा भाषा का, भाषा के 2 खंड होंगे, भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड। भाषा जो फर्स्ट है पहला है उससे 75 सवाल आएंगे, कितने सवाल आएंगे 75 सवाल। कौन कौन सी भाषा होगी इस पर भी देख लेते हैं। देखिए अगर नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए ई लर्निंग दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं।
जहाँ पे नोट्स संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप पीडीएफ में घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी की नोट्स है और एससीईआरटी की भी कंप्लीट यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएगी। तो आप चाहे तो बिहार में सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर समय कम है और चाहते हैं रिवीजन करके प्रैक्टिस के माध्यम से अच्छा अंक अर्जित कर ले, तो आपके लिए निबिध नोट्स बेहतर पड़ेगा। मुझे भी जब मौका मिलता है मैं निबिध दुर्गेश के नोट्स पढ़ता रहता हूं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे आपके जो मेन मुद्दा था, अब यहाँ पे था कि हिंदी उर्दू बांग्ला। अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं या बिहार से हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप यहां पर हिंदी विषय का चयन करेंगे। हिंदी विषय से 75 सवाल आएंगे जो आपका सेक्शन भाग ए हो जाएगा। भाग ब की बात करें उसमें अंग्रेजी आपके लिए अनिवार्य है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहां से भी आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे। इंग्लिश से भी कितने सवाल? 25 सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यहां पर देखिए 75 सवाल ए से और 25 सवाल बी से, मतलब 75 सवाल हिंदी की मान लेते हैं, 25 सवाल अगर हम बात करें तो इंग्लिश के हो गए। इन दोनों को मिलाकर कुल 100 प्रश्न होते हैं। इनका 30% आपको लाना अनिवार्य है। ये पेपर सभी के लिए अनिवार्य है। बिना इस पेपर का ये पेपर आप नहीं दे पाएंगे, यूं कह सकते हैं यह पेपर आपका नहीं साइन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ठीक अब दिख रहा होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे एकदम समझने का प्रयास करिए, ये पेपर अनिवार्य है। 100 प्रश्नों में से आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, माने 100 में आपके 30 अंक होने जरूरी है। और ये उम्मीद करते हैं आप आसानी से ले लें, इसको मेहनत नहीं करना है। कभी कभी रिवीजन के लिए बहुत आसान था जो अभी पूछा गया था, अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ था। अब 30% लाना है माने भाषा ए और बी को मिलाकर, भाग और ब को मिलाकर, क और ख को मिलाकर आपके 30% अंक, अर्थात अंकों की बात करें तो 30 अंक होगा। अब एक सवाल आता है सर, इसमें नकारात्मक अंक होगा कि नहीं? नकारात्मक अंक क्या आपके भी मन में यह बात आया? तो याद रहे इसमें नकारात्मक अंक नहीं है, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें चाहे पेपर सेकंड की। पहली बार जब यूपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की तो वहां पर उसने कहा था कि यहां पर हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, लेकिन अब फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो ये भाग फर्स्ट हो गया जो आपको भाषा है, और ये आसानी से पास कर लेंगे। अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी आसान, और अब इसे आसानी से पास कर पाएंगे। दूसरे की तरफ अगर हम बढ़े तो जो दूसरा है आपके लिए वो भी पेपर टू है। पेपर टू पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए जीएस है और सब्जेक्ट है। जीएस की बात करें तो यहाँ से 40 अंक आएंगे, और सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ से 80 आएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 40 प्लस 80, कुल 120 अंक का यही आपका स्कोरिंग है। इसी से पूरी आपकी मेरिट बनने वाली है, माने जो पूरी मेरिट आपकी बनेगी बिहार से चक्रवर्ती ये क्वालिफाई है। इसे केवल पास करना है, ये क्या करना है? ये केवल पास करना है, ये क्वालिफाई पेपर है। इसे केवल 30 अंक लाने, अगर आप इसमें 99 भी लाते हैं 100 में सवाल आते हैं इसके अंक नहीं जुड़ेंगे। इसमें मिनिमम आपके पास 30 हो, उसके बाद अधिकतम आप चाहे जितना लाए, माने कम से कम आपके पास 30 अंक हो, ज्यादा ज्यादा चाहे जितने लाए, इसके अंक इसमें नहीं जुड़े जाएंगे। एकदम स्पष्ट आपको मैंने बता दिया और समझा दिया। दूसरी बात यहाँ पे है जो आपके मन में और जहन में उठ रही होगी वो यहाँ पे ये है कि अब जो पहला 40 नंबर का है ये जीएस है, ये जीएस है। इसमें जीएस में क्या क्या आएगा अब इसको समझना है भैया। इसमें जीएस जीके पूरा हो गया आपका, जीएस जीके विविध, उसके बाद करंट अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, खेलकूद है, साहित्य है, रचना है, लेखक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, पर्यावरणीय अध्ययन है, और साथ ही साथ अब इसमें गणित है, रीजनिंग है, गणित और रीजनिंग है। और अगर हम जीएस जीके की बात करें इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, और भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो पूरा मतलब जीएस जीके इसमें है। मैथ है, रीजनिंग है, करंट अवेयरनेस है, और बिहार स्पेशल मिलाकर ये पूरे 40 अंक के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। अब ये सभी के लिए माने जो भी अभ्यर्थी जूनियर शिक्षक भर्ती का आवेदन करेंगे उन सभी के लिए ये अनिवार्य पाठ्यक्रम है। माने ये अनिवार्य रूप से जो फर्स्ट भाषा वो आप लोग को चूज करना है, मतलब देना ही देना है। अब इसमें रीजनिंग है, कुछ लोग कहते हैं सर मेरी गणित वीक है, मुझे गणित नहीं आता, मैं क्या करूं? तो ध्यान दीजिएगा, गणित से 8 से 10 सवाल आने हैं, तो 120 नंबर के सवाल में 8 से 10 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर ऐसे भी आप करेंगे तो 2 से 3 सवाल आसानी से 4 सवाल कर ले जाएंगे। तो आप इस पर ज्यादा मेहनत न करके उन पर मेहनत करने का प्रयास करिए जहां से आपको लगता है कि आप ज्यादा अंक ला सकते हैं, जहां से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं।
अब इन सब के लिए आप इसकी पूरी नोट्स है, आप जीएस जीके की जो पेपर फर्स्ट 40 नंबर है, ये टीजीटी वालों के लिए भी है, पीजीटी वालों के लिए भी है, और जूनियर शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9, 10, 11 सभी के लिए इसकी कंप्लीट नोट्स इलर्निंग विद दुर्गेश पर है। आप चाहे तो पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं, या इलर्निंग विद दुर्गेश जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े जाइएगा, वहां पर भी आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, इसकी कंप्लीट जो नोट्स है पेपर फर्स्ट का वो भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, चाहे आप पीजीटी के लिए तैयारी कर सकते हो, या जूनियर के लिए, माने हम 6 से 8 तक के लिए बात करें, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, सभी के कंप्लीट नोट्स सब पेपर फर्स्ट के नाम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए किताबें बहुत सारी, समय कम है, और आप देखें बीपीएससी का लेवल कैसा होता है, एक बार अगर दिमाग के सामने से नोट्स गुजरा रहेगा तो पेपर में सवाल आएगा, आसानी से कर पाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, और मेरिट आपने देखी ले किस तरह से जाती है, मैंने बताई थी पहले मेरिट आ जाएगी, लोगों ने कमेंट किया, ट्रोल किया कि यार बाकी लोग तो कम मेरिट बताए, दुर्गेश सर ज्यादा मेरिट बता रहे हैं, तो मैंने एकदम फैक्ट चीजें बताई थी आपको। दूसरी सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट में 80 नंबर से सवाल आएंगे, सब्जेक्ट में आपके 80 नंबर सवाल आएंगे, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पर होगा। अब 6 से लेकर 8 तक की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रहे आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी होगी वो पूरा 6 से लेकर 12 तक के लिए पढ़नी होगी। ये आपके लिए, अब जो बीटीसी के अभ्यर्थी हों चाहे बीएड के अभ्यर्थी हों, बीएड के अभ्यर्थी में सबसे बड़ा फायदा ये है, इसका लाभ उन्हें टीजीटी भी मिलेगा, इसका लाभ उन्हें पीजीटी भी मिलेगा, और जूनियर मिलेगा। लेकिन अब डीएलएड या बीटीसी का जो अभ्यर्थी है वो 6 से 12 तक उसको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो एक ही परीक्षा केवल दे पाएगा, इसलिए 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब एनसीईआरटी किसकी पढ़नी पड़ेगी, पहले देखिए कौन कौन से भाषा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने विज्ञान की और गणित की अलग अलग है, विज्ञान वाले विज्ञान, गणित वाले गणित। अब इसका कैसे सब्जेक्ट का आपको चूज करना है ये भी आपको ध्यान मैंने बता दिया, जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो विज्ञान और गणित में से किसी एक का चयन कर सकते हैं, वो विज्ञान का भी चयन कर सकते हैं और गणित का भी चयन कर सकते हैं। इसकी पूरी जो नोटिफिकेशन विज्ञप्ति उसके लिए अलग, अगर आप कॉमेंट करेंगे मैं अलग वीडियो इसकी सेपरेट बना दूंगा, ताकि सारी बातें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। इसलिए बार बार कहता हूं इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके, सभी लोगों को जानकारी का अभाव है, वो परेशान रहते हैं कि सर ऐसे क्या होगा, क्या कर सकते हैं हमें, क्या नहीं, कहाँ पढ़ना होगा, कैसे मैं सब्जेक्ट का चयन करूंगा, तो उस पर भी मैं एकदम डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा विज्ञान और गणित अलग अलग ले सकते हैं, क्योंकि कुछ विज्ञान के अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी मैथ, जैसे जो जूलॉजी बॉटनी के हैं या कह सकते हैं बायो ग्रुप के हैं, उनकी मैथ वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए बायो ग्रुप वीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो इनकी विज्ञप्ति है विज्ञान और गणित के लिए अलग अलग अध्यापकों की बात की गई, तो आप गणित वाले गणित, विज्ञान वाले विज्ञान में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गणित सबके लिए कॉमन है, जो 6 से 7 सवाल आएगा 40 नंबर में। दूसरी बात यह है सामाजिक विज्ञान से एसएसटी के नाम से जानते हैं, माने साइंस मैथ एसएसटी, एसएसटी का मतलब यह है कि आप आसानी से एसएसटी को, बीए जो है वो एसएसटी ले सकते हैं। एसएसटी में भी सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे वो भी बता दूंगा। इन सबकी कंप्लीट एनसीईआरटी, इन सबकी विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान की कंप्लीट एनसीईआरटी इलर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। इन सभी के जो नोट्स हैं आप चाहें तो इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो प्ले स्टोर से है वहां पर जाकर डाउनलोड करके पूरी नोट 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी, हिंदी मीडियम में भी है, अंग्रेजी मीडियम में भी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब विषय की तरफ पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा उसकी जो प्रश्न की भाषा है। इस बार आपने देखा बीपीएससी का पेपर हाई लेवल का था, लेकिन उनकी जो शब्दावली यूज की गई थी वो पूरी एनसीईआरटी की थी। तो एनसीईआरटी आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है आपको पढ़ने के लिए। 6 से लेकर साइंस वाले 6 से 12 तक की साइंस, गणित वाले 6 से 12 तक की गणित, सामाजिक विज्ञान और 6 से 12 तक की सामाजिक विज्ञान, कुछ विषय जो 9 से 12 चलता है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया 9 से 12 आपको मिलेगा, बाकी जो विषय है जिस स्ट्रीम में पूरी नोट्स इलर्निंग विद दुर्गेश के पीडीएफ फॉर्मेट में आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर। यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक, अब एसएसटी कलाम को सिर्फ भाषा का चयन करना चाहेंगे, अगर कोई यूपी से मुझे देख रहा है तो संस्कृत का चयन कर सकता है, संस्कृत नवे भाषा के रूप में है जो आप विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान में देख सकते हैं, और हिंदी अंग्रेजी, माने यूपी से जो देख रहे हैं उनके विषय कौन कौन से काम के हैं, विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान संस्कृत अंग्रेजी और हिंदी, ये विषय के रूप में रह सकते हैं। अब देखिएगा विज्ञान और गणित के लिए जो सीटेट होगा आपका या बीटेट होगा वो साइंस और मैथ का होगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इसके लिए जो पेपर 2 में सीटेड या बीटेड आपने पास किया है वो साइंस और मैथ ग्रुप का जो पास किया है या जो अपेयरिंग में है वो ये फॉर्म, मतलब ये सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। बाकी विषय सामाजिक विज्ञान के साथ साथ जितने भाषा के विषय हैं इन सभी के लिए आपको एसएसटी माने पेपर 2 का एसएसटी सामाजिक विज्ञान पास होना अनिवार्य है, पेपर 2 नहीं तो अपेयरिंग हो, ये दोनों बातें समझ लीजिएगा। इसमें हिंदी अंग्रेजी संस्कृत वालों के लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि लगातार टीजीटी पीजीटी की तैयारी यूपी में भी कर रहे थे वहां पर भी जाएंगे तो इनके लिए खासा दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ उर्दू, हो सकता है यूपी में कुछ उर्दू से भी होंगे, उर्दू वाले भी जा सकते हैं, बांग्ला
अरबी, फारसी, मैथिली और भोजपुरी, तो इतनी और भाषाएं हैं जो वहां पर दे सकते हैं। तो ये भाषा खासकर मुझे लगता है जो बिहार में रहने वाले क्षेत्र हैं, जैसे झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, वहां से जो सटा राज्य है उड़ीसा हुआ, तो उन सब राज्य के अभ्यर्थी इन सब भाषाओं पकड़ोगे, जैसे बांग्ला जो पश्चिम बंगाल के हैं, अरबी, फारसी, मैथिली, ये उसके आसपास के जो बेल्ट है, मैथिली और भोजपुरी ये बिहार का ही बेल्ट है, बिहार और झारखंड मिलाकर। लेकिन यूपी की बात करें, जहाँ से मैं हूँ, क्योंकि भारत के सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ के अभ्यर्थी अंग्रेजी को प्रेफर करेंगे, अंग्रेजी लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर विषयों की बात की जाए तो भाषा में से आप कोई एक का चयन कर सकते हैं, माने इन पूरे विषय चार्ट में से केवल एक विषय का चयन करना, केवल एक विषय का ही चयन करना है, इसमें से विषय एक का, चाहे भाषा में से कोई ले, चाहे मतलब इतने में से जो सब्जेक्ट है इसमें से 80 सवाल आपके बनेंगे, और इन दोनों को मिलाकर पूरा जो मेरिट बनेगी वो 120 प्रश्नों की मेरिट बनेगी। इस 120 प्रश्नों की मेरिट से ही आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा। ये जो भाषा है ये क्वालिफाई है, यहाँ से केवल पास करना है, लेकिन जो अंतिम आपकी मेरिट बनने वाली है वो पूरी जो मेरिट बनेगी वो केवल केवल यहाँ से बनने वाली है। इसलिए यहाँ कतई गलती मत करेगा, इसे पूरी बातें समझ कर रखिएगा, इसमें से कोई एक रखते हैं। अब मुझे वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें से आप कौन सा विषय लेना चाह रहे हैं, मैंने आप किस में तैयारी करना चाह रहे हैं, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान जिसे SST कहेंगे शॉर्ट में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक है, इसमें से आप कौन सा भाषा या विषय में से सेकेंड पेपर में कौन सा ले रहे हैं, आपका इसमें वीक जोन क्या है, माने कौन सा आपको लग रहा है कि आपको डर लग रहा है, और उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी कोई समस्या आ रही इन पूरे सिलेबस के प्रकरण में, इन पूरे चार्ट में, कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई समस्या आ रही है, तो कमेंट करिएगा, हम पूरी पूरी मदद करेंगे और आपके हर एक पहलुओं को आगे लेकर चलेंगे। अगर जो भी साथी आपको लग रहा है BTC, BEd या DLED हो, उन सभी तक ये वीडियो को पहुंचाएगा। अगर इस वीडियो को लर्निंग विद दुर्गेश के चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसके अलावा चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर और सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। अब मुझे ये बताइएगा कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक CTET नहीं पास हैं, अगर वो CTET नहीं पास हैं तो उनके लिए भी लर्निंग विद दुर्गेश में काफ़ी ऐसे मैटर हैं जो कम समय में अब बेहतर तैयारी करके CTET को भी पास कर सकते हैं, क्योंकि जो CTET पास नहीं है उनके सामने दो चैलेंज है, CTET को पास करना, एक CTET अब ऑफलाइन होने वाला है, और दूसरा जो चरण है वो आपका यहाँ पर। तो एक बात कॉमन है, अगर आपने NCERT पढ़ा तो वो CTET के लिए भी काम करेगा, और सिर्फ कि NCERT जो है NCERT से बाहर नहीं जाता। इसलिए जितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भविष्य में भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हैं, ये उनकी भविष्य की चाबी है, क्योंकि NCERT से आपका CTET भी हो जाएगा, NCERT से बिहार शिक्षक भर्ती को आप तोड़ पाएंगे। इसके अलावा इसके प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा ज्यादा फोकस करिएगा, और आप पेपर की मैं बात करूं तो BPSC जब पेपर शुरुआत में शुरू किया था, जो सातवां चरण था उसमें पेपर कट नहीं इस तरह बढ़ाया, नेगेटिव मार्किंग रखा, फिर बाद में BPSC को आभास हो गया कि यार पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, तो उसको लेवल को नहीं कम कर सके क्योंकि पेपर छप चुका था, तो उन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दिया। इससे 170,000 पदों में केवल 120,000 अभ्यर्थियों का ही पास हो पाए, इसलिए अब की जो पेपर बनने वाला BPSC बनाएगी वो पेपर का स्टैंडर्ड भी हल्का होगा, थोड़ा सरल पेपर होगा। आपने देखा होगा चेयरमैन सर का भी एक इंटरव्यू भी आया था, एक उसमें उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने ये बात का जिक्र किया था कि अब पेपर के जो कठिनाई स्तर है उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, ज्यादातर अभ्यर्थी भी पास हो सके, क्योंकि मेरिट तो जो मेन मेरिट है उनके अंकों से ही बननी है, इस 120 नंबर से ही बननी है, तो जो ज्यादा आएगा वो उसको नौकरी मिलनी है, इसलिए पेपर का स्टैंडर्ड इस बार लो होगा। और यहाँ तक शायद ये भी उम्मीद है कि चार विकल्प जो थे प्रश्न आते थे वो दो विकल्प के आएंगे। वीडियो को और फेसबुक पे देख रहे हैं इलर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा पेज को, इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा चाहे जहां देख रहे हैं। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है इलर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं हर शिक्षक भर्ती के जूनियर से जुड़े हुए सभी सवाल, सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई लग रहा है कि नहीं आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला है तो कमेंट करिएगा, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, सभी सवालों के उत्तर आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और उम्मीद करते हैं यहां से पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि 6 से लेकर 8 तक के सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर आप कहेंगे तो विषयवार हम इसकी अलग अलग वीडियो बना देंगे कि विज्ञान में क्या पढ़ना है, गणित में क्या पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, हिंदी और संस्कृत, क्योंकि इलर्निंग विद दुर्गेश के पास जो नोट्स उपलब्ध है वो विज्ञान के नोट्स उपलब्ध है, गणित के नोट्स उपलब्ध है, सामाजिक के नोट्स उपलब्ध है, हिंदी के नोट्स उपलब्ध है, अंग्रेजी के नोट्स उपलब्ध है, ठीक है। तो इनकी भी मैं अलग अलग
वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है इसके लिए भी, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करेंगे आपका विषय कौन सा है और आप चाहते हैं किस टॉपिक पर वीडियो बने उसके लिए, तब हम बना देंगे सेपरेट आपके लिए। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी लोगों की मदद हो सके। पूरे डिटेल में मैंने आपको पूरे सिलेबस की व्याख्या की है, नोट्स से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न कोई सवाल हो एलएनबी दुर्गेश में पूछ सकते हैं, एलएनबी दुर्गेश ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स के लिए मैं फिर से नंबर लिख दे रहा हूँ, ये नंबर हो सकता है आपके काम आ सके। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए बाकी भी जो क्लासेज हैं नोट्स है वो आपको मिलती रहे, उसके लिए एलएनबी दुर्गेश का एक ऑफिस का नंबर और है जिस पर आप अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे तो बीपीएससी जुड़े हुए जो सभी प्रमुख नोट्स हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। उसका भी मैं नंबर यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूँ, 94-51-062-78। इस पर अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज कर देंगे तब ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां बिहार से जुड़ी हुई सभी भर्ती से जुड़ा हुआ जितने भी टॉपिक होंगे जो उनसे जुड़े हुए प्रमुख न्यूज होंगे या उनसे जुड़े जो प्रमुख नोट्स होंगे आपको इस नंबर मिल जाएंगे। इलानी दुर्गेश का ऑफिस का दोनों नंबर है, एज ए गेस्ट ग्रुप में मेरी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क रहती है, देशहित में रहती है। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं, इस पर ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, अपना नाम जिला भेज देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एलएनबी दुर्गेश आप कितनी मदद कर पाएगी, फिलहाल मुझे लगता है पूरा आपको प्रॉपर जूनियर शिक्षक भर्ती जुड़ा हुआ सारे सवाल के यहाँ पे जवाब आपको मिल गए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई संशय रह गया हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो 9, 10 और 11, 12 के लिए बना दूंगा, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो। और अगर सीटेट पास नहीं घबराना नहीं है, अभी आपके पास समय है क्योंकि दोनों के लिए एनसीईआरटी प्रमुख, अगर आपने एनसीईआरटी पर पकड़ बना ली तो आप समझ लीजिए अपनी नौकरी पर आपने पकड़ बना ली है। पेपर के स्टैंडर्ड देखते हुए काम करिए क्योंकि कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए अगर एनसीईआरटी किताब पढ़िए, और अगर आप लगता नहीं कम समय में यार हमें एक ही जगह चीज़ें मिल जाए तो एनसीईआरटी की नोट्स आप पढ़ सकते हैं और ये पूरी तरह से पीडीएफ फॉर्मेट उपलब्ध है तो कम समय आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू आपका, कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूं आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, किसी का भी नोट्स हो तो पढ़िए क्योंकि नोट्स क्या होता है आपके समय बचा जाता है, कम समय आप बेहतर तैयारी कर पाते हैं, आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू, और अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर, लेकिन वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, इलानी मित्र के फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो और लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, अब की बार एक सीट हमारा, इस सपने को पूरा करना है आपको, बाय बाय।